दुख क्या है ऐसे समझो, हम तुम्हारी भाषा में समझाएं। सो के 7 बजे उठो, 7 बजे, और पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। सो के 7 बजे उठो, नींद भयंकर भरी हो, पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। और रात को 2 बजे उठ जाओ, पता लगे 5 घंटा और सोना, ये सुख है। रात को 2 बजे नींद खुले और पता लगे 5 घंटा और सोना, ये सुख है। उसमें भी जो पता लग जाए सुबह छुट्टी है, डबल। माँ इतनी दुखी क्यों? दुखी क्यों? क्योंकि तुम दोनों जितने भी पैसे मिलते हैं सब इस गुल्लक में डाल देते हो, जो निकल ही नहीं रहा है। फिर लाख कोशिशों के बावजूद मैं कितना परेशान हूँ, मैं ही सोच सकती हूँ। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते, और पति देव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल नहीं गुजरा है। भैया जब से ना ये बाल बेच के जीरा लेने का सिस्टम आया है, तब से तो मुझे लग रहा है कि मेरे बाल जीरे की ही तरह हो जाएंगे। जी थोड़ी सी ठंड कम कर लो, सारा दूध तो चाय बनाने में चला जाता है। पढ़ना नहीं है, छप्पन फाड़ने की मशीन दे दो इनको, मशीन दे दो, मशीन मिलेगी, मशीन चिंता ना करो। अगर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। भैया काजू बादाम कितने भी महंगे हो जाओ, गाजर को हलवा तभी बनेगा जब गाजर 20 रुपया किलो हो जाएंगी। ये नहाने का सिस्टम साला हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। अब जिस शब्द के पीछे भी ना है, आगे भी ना है, फिर यो दुनिया बीच वाले हाँ पे क्यों तुली पड़ी हुई है? इनकी छुट्टी हो जाए तो पकौड़े बनाओ, बच्चों की छुट्टी हो जाए तो यम्मी बनाओ, बस खाना किसी को नहीं खाना है, पूरे दिन पकौड़े बनाओ यम्मी बनाओ, पकौड़े बनाओ यम्मी बनाओ। हमें तो सर्दी लगती नहीं है।